ऐसी एक्टिविटी है वो तो हर घर में लोगों को पता होना चाहिए, सबकी कानून में ताला को पता होना चाहिए क्या कैसे दिन यूज होगा। इससे जाहिर है कि वो शॉर्ट्स वगैरह घर में पड़े होते हैं उसी के ऊपर केमिकल उसमें डाल, क्योंकि उसमें जाहिर है पानी की जरूरत नहीं है, वो तो आप वाटर के अंदर जो जो मार्जिन से पानी को आप गिरा दें उस बिल्डिंग साइड को आप खत्म कर दें उस कंटेनर को इन्वर्ट कर दें ताकि वहाँ पे पॉपुलेशन हो ही ना सके। लेकिन इसमें जो फीडबैक आ चुकी है वो तो रजिस्टर कर जाएंगे साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं जितना ये पार्ट येलो मार्क किया गया है ये इन कंट्रीज में एंडेमिक फॉर्म में डिजीज एग्जिस्ट करती है, यानी इस रिजर्वायर में इसका वेक्टर और पैथोजन प्रेजेंट है और किसी भी टाइम पे एपिडेमिक की फॉर्म में अपीयर हो सकता है। समरी क्या है, 2.5 मिलियन पीपल या 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन एट रिस्क है, 100 कंट्रीज हैं जिनमें पैथोजन एग्जिस्ट कर रहा है, 50 to 100 million इन्फेक्शन जो है वो ईयरली अकर हो रही है और जिसमें 22,000 डेथ्स ये एवरेज है और इसमें इजाफा हो रहा है हर साल, ये इंक्रीज कर रही है। नेक्स्ट और कैरियर मैंने बात की वायरल डिजीज है, ये इसको आर्थ्रोपोड जो है वो ट्रांसफर करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं, दो तरह के ट्रांसफर मैकेनिज्म होते हैं आर्थ्रोपोड जो करते हैं, एक तो एज अ कैरियर इफेक्ट होते हैं और कुछ होते हैं जो एज अ वेक्टर जो है वो एक्ट करते हैं। कैरियर जैसे हाउसफ्लाई है वो बहुत सारे पैथोजन को अपनी लेंथ के साथ अटैच करके कैरी करती है और एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करती है, इसको मैकेनिकल कैरियर कहते हैं। वेक्टर की डेफिनेशन में ये आता है कि उस वेक्टर की बॉडी में उस पैथोजन का कोई ना कोई बायोलॉजिकल साइकिल चल रहा होता है। वेक्टर क्या करेगा, पैथोजन को कैरी करेगा अपनी बॉडी में मल्टीप्लाई करेगा ठीक है, तो मॉस्किटो जो इसमें इन्वॉल्व है वो वेक्टर है, उसकी बॉडी के अंदर भी पैथोजन का साइकिल चल रहा है। वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कौन कौन सी है लिस्ट देखें, डेंगू फीवर आप जानते हैं मॉस्किटो इसके वेक्टर है, मलेरिया है, येलो फीवर है, रॉस फीवर फीवर है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस है, वेस्ट नाइल वायरस है, बर्मा फॉरेस्ट वायरस है, चिकनगुनिया, इन सब में देखें जो वेक्टर है वो मॉस्किटो है। और आगे इसमें ये वेक्टर चेंज हो गया, सैंड फ्लाई है, परमानेंट स्नेक में फ्लीज है, स्लीपिंग सिकनेस में सीसी फ्लाई है, टाइफस में माइट्स फ्लीज बॉडी लाइस है और अल्फर्मा वायरस में टिक्स इन्वॉल्व है, ये लिस्ट है डिजीज की। अब मैं कुछ फोटोग्राफ आपको दिखाता हूँ, ये डेंगू का पेशेंट है और साथ में जो वेक्टर है ये स्पेसिफिक स्पीशीज है इसकी मॉस्किटो की, एडीज एजिप्टाई ठीक है, इनकी हम आगे वेरिफिकेशन करेंगे। मलेरिया है ये देखिए वेक्टर चेंज हो गया, इसमें रॉफ्लीज मॉस्किटो इन्वॉल्व है, येलो फीवर में अगेन एडीज मॉस्किटो है, रॉस लीवर फीवर में फिर ये एडीज मॉस्किटो है, जापानीज एनसेफ्लाइटिस इसमें क्यूलेक्स मॉस्किटो है, क्यूलेक्स की पॉपुलेशन अबंडेंट होती है हमारे एरिया में, सबसे ज्यादा जो मॉस्किटो अवेलेबल है वो क्यूलेक्स जेनरा से है। बर्मा फॉरेस्ट वायरस है, वेस्ट नाइल वायरस, चिकनगुनिया इसमें अगेन एडीज इन्वॉल्व है, लिशमैनियासिस ये सैंड फ्लाई है, मॉस्किटो नहीं है सैंड फ्लाई इसमें एज अ वेक्टर है, प्लीज सीसी फ्लाई है, ये ह्यूमन लॉस है, माइट्स टिक्स ब्लैक फ्लाई हाउस फ्लाई डिजीज है,
हॉर्स फ्लाई है, कॉकरोच है, बेड बग है, ये सारे वो आपको कोड्स हैं जो वेक्टर हैं किसी न किसी डिजीज के। लेकिन अबाउट मॉस्किटो ये कहा जाता है कि ये सबसे डेंजरस एनिमल है यूनिवर्स में। आपने देखा लिस्ट में, आपने देखा सबसे ज्यादा जो डिजीज थी वो मॉस्किटो की वजह से हो रही थी। जनरल इंफॉर्मेशन क्या है, 3400 स्पीशीज हैं जिनमें से एक जो है वो एडीज एजिप्टाई जिसको हम डेली का वेक्टर कहते हैं या माइनर वेक्टर है एडीज एल्ब्रोपिकस। दो वेक्टर मॉस्किटो स्पीशीज हैं डेली की, एडीज एजिप्टाई एंड एडीज एल्ब्रोपिकस। टोटल कितनी है, 3400 स्पीशीज, 42 जेनरा। फैमिली क्या है, क्यूरिसिडी, और 3 सब फैमिलीज हैं, टॉक्सोरिनकाइटिनी, एनोफिलिनी एंड क्यूरिसिडी। टॉक्सोरिनकाइट्स वो मॉस्किटो हैं जो बाइट नहीं करते, ठीक है, बाकी दोनों स्पीशीज जो फैमिलीज हैं इनके मॉस्किटो बाइट करते हैं। और एक और भी ओनली एंड ओनली फीमेल मॉस्किटो बाइट करती है, ठीक है, मेल मॉस्किटो बाइट नहीं करते। इंपॉर्टेंट जेनरा कैटेगरी इंपॉर्टेंट सेवन जेनरा है, एनोफिलीज आपको पता है मलेरियल वेक्टर इसमें आता है, क्यूलेक्स मैंने बताया डेफिनेटली एनसेफलाइटिस क्यूलेक्स जेनरा के मॉस्किटो कास्ट करते हैं, जेडीज ये डेंगी के वेक्टर है, इसके अलावा सोरोपोरा मेलिफोर्निया हेमाकोकस एबिकस। मॉस्किटो की बॉडी को जरा गौर से देखें, इसके 3 रीजन है, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। इसलिए आपको दिखा रहा हूँ इसी के ऊपर कोई मार्केशन ऐसी है जिसकी बेसिस पे आपने आइडेंटिफाई करना है कि डेंगी का वेक्टर कौन सा है, ठीक है। ऊपर वाला हेड का पोर्शन है जिसमें कंपाउंड आईज है, माउथ पार्ट्स है, टीने है, प्रोसेस है, ये सारी चीजें इसमें आती है। थॉरेक्स पे 3 पेयर ऑफ लेग्स एंड 2 पेयर ऑफ विंग्स है, हमें 1 पेयर नजर आ रहा है इसका, दो जो है वो रूडिमेंट्री है, दोनों मॉडिफाइड हो गए पार्टियस में। और एब्डोमेन सेगमेंटेड पोर्शन है और एंड पे जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, ये इसकी मॉस्किटो की बॉडी। लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस हैं, जैसा कि पहले जिक्र हो रहा था, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। इंसेक्ट्स में अगर 4 स्टेजेस हो लाइफ साइकिल की उसे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। समटाइम प्यूपल स्टेज मिसिंग होती है, वही कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। ये देखें हम एडल्ट टेरेस्ट्रियल है और बाकी जो 3 स्टेजेस हैं एग, लार्वा एंड प्यूपा ये एडल्ट है। वायरस का साइकिल किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, 2 तरह के साइकिल है, एक वो है जो वाइल्ड लाइफ में है, एडीज मॉस्किटो इन्वॉल्व है इसमें, ज्यादातर जो मॉस्किटो वाइल्ड लाइफ में इन्वॉल्व है वो है एडीज एल्बोपिक्टस। मैं आगे जाकर दिखाऊंगा एल्बोपिक्टस कौन सा है और एजिप्टाई कौन सा है, 2 स्पीशीज है जो वेक्टर है, एल्बोपिक्टस मॉस्किटो फिर मंकी फिर मॉस्किटो। इस तरह से ये साइकिल जो है ये वाइल्ड लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है। और दूसरा साइकिल एपिडेमिक साइकिल जो ह्यूमन मॉस्किटो एंड ह्यूमन में एग्जिस्ट कर रहा है। जी सोल्यूशन आपको पता है, या तो वैक्सीन प्रिपेयर कर लें या मॉस्किटो बाइट्स को वाइट करें। आपको पता है कि 4 टाइप ऑफ वायरसेस हैं, तो इसके अगेंस्ट अभी तक इफेक्टिव वैक्सीन है वो भी प्रिपेयर नहीं हो सकी। मॉस्किटो बाइट्स को वाइट करना इस वक्त हमारी प्रेफरेंस है, इसी की हम कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन मॉस्किटो को कंट्रोल करना भी इंतहाई मुश्किल काम है, आप उसकी आगे प्रॉपर्टीज देखेंगे। हम जितनी भी कोशिश कर लें हम उसकी पॉपुलेशन का ग्राफ नीचे तो रख सकते हैं, इसको हम खत्म नहीं कर सकते। जी ब्लड फीवर के मोनोट्रॉपिक साइकिल यहाँ से देखें, एडल्ट मर्द हो रहा है प्यूपा से, एडल्ट मर्द हुआ सबसे पहले मेटिंग होती है, मेल फीमेल मेटिंग ऑलमोस्ट 1 to 2 डेज आ रहा है फॉर मेटिंग। और उसके बाद फीमेल जो होती है वो एग्स की प्रोडक्शन के लिए उसे एक्स्ट्रा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वो ब्लड मील को लेने के लिए होस्ट को तलाश करती है। ब्लड मील लेने के बाद फिर 2 दिन चाहिए फीमेल को ब्लड डाइजेस्ट करने के लिए, जो रेस्ट करेगी ब्लड को डाइजेस्ट करेगी, जो जो ब्लड डाइजेस्ट होता जाएगा एग्स मैच्योर होते जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर फीमेल ऐसी पोजीशन सर्च आउट करेगी जहाँ पे स्टैग्नेंट वाटर अवेलेबल होगा ताकि वो एगलिंग कर सके। यहाँ पे एगलिंग हुई, एगलिंग के बाद फिर वो सेकेंड फीड के लिए फिर होस्ट को तलाश करेगी, फिर सेकेंड उसको मेटिंग रिक्वायर नहीं होती, वंस इन अ लाइफ वो मेटिंग करती है और पूरी स्पर्म उसके स्पर्मेटिका में स्टोर हो जाते हैं जो लाइफ टाइम के लिए इनफ होते हैं, ठीक है। आजकल की कंडीशन में फीमेल अडल्ट जो है एडीज की उसकी लाइफ 3 to 4 वीक्स है, जिसमें वो 4 से 5 मोनोट्रोपिक साइकिल में कंप्लीट करती है, 4 to 5 टाइम्स में ब्लड भी लेगी और इतनी बार भी अंडे देगी। बिहेवियर इसका क्या है मॉस्किटो का, एडीज एजिप्टाई जो है एंट्रोपोफिलेट है,
इट मीन्स कि लव्स टू लिव विद ह्यूमंस, ह्यूमंस के आसपास आपको मिलेगा, जहां ह्यूमंस नहीं होंगे उस एरिया में आपको दिखाई नहीं मिलता। एंथ्रोपोफेजिक है, ये प्रेफर करता है ह्यूमन ब्लड मेल को, अगर ह्यूमन अवेलेबल नहीं होंगे फिर वाइल्ड लाइफ को फाइट करेगा, अदरवाइज ह्यूमन को ही प्रेफर करता है। एक्सोफेजिक है, जो लोग घरों के बाहर घूम रहे होते हैं उनको बाइट करता है, घरों के अंदर आके बाइट करना इसकी बिल्कुल हैबिट नहीं है, ठीक है, जो लोग घरों के अंदर हैं, जब घरों से बाहर निकलते हैं लॉन्स में बैठे हैं या पार्क में घूम रहे हैं तो उन एरिया में भी लोगों को बाइट करता है। एक्सोफिलिक है, इट मीन्स इसकी जो फीमेल है, मैंने बताया कि वो ब्लड को डाइजेस्ट करने के लिए रेस्ट करती है, तो वो फीमेल भी घरों के अंदर छुप के रेस्ट नहीं करती बल्कि बाहर ही रेस्ट करती है, पौधों में छुप जाएगी, किसी शहरी एरिया में छुपेगी, घर के अंदर आके छुप के रेस्ट करना उसकी हैबिट नहीं है। इसीलिए घर के अंदर स्प्रे करवाना, जो हम IRS या इंडोर रेजिडुअल स्प्रे कहते हैं, तो वो करवाना इसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है इसके कंट्रोल के लिए, क्योंकि इसका बिहेवियर ही नहीं है, ये अंदर आके रेस्ट ही नहीं करती। मलेरियल मॉस्किटो में हम घरों में दीवारों पर स्प्रे करवाते हैं, उसका बिहेवियर है कि वो अंदर आके रेस्ट करती है, जब रेस्ट करेगी इंसेक्टीसाइड के इंसेक्टीसाइड से एक्सपोजर होगा तो उसका कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। नर्वस फीडर है, बार बार फीड करती है, एक ब्लड मील कंप्लीट करने के लिए 4 से 5 पीपल जाना, 4 to 5 पीपल उनको वाइट कर सकती है, बार बार फीडिंग करती है, और इससे ही इसका डिजीज स्प्रेड करने का पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज है, इंक्रीज कर जाता है। वीक फ्लायर है, फ्लाइट रेंज इसकी कम है, 100 मीटर के रेडियस में यूजुअली मूव करती है, जहाँ पे ब्रीडिंग साइट है उसके आसपास ही लोगों को वाइट करती है, लेकिन अगर इसको ओवी पोजिशन के लिए या ब्लड मील के लिए नई लोग अवेलेबल होंगे या साइट अवेलेबल नहीं होगी तो 400 मीटर के रेडियस तक जा सकती है, ठीक है। कंटेनर ब्रीडर है, स्मॉल कंटेनर में ब्रीड करती है ये फीमेल, बड़े बड़े जो वाटर रिजर्वायर हैं, वाटर पॉन्ड्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं या लार्ज वाटर बॉडीज हैं उनमें आप इसकी पॉपुलेशन नहीं मिलती, स्मॉल कंटेनर जो स्टैग्नेंट वाटर है उसमें ये ब्रीड करती है। माउथ पार्ट्स दो पोर्शन है मेनली, लिथियम लोअर लिप और स्टाइलेट, एक नीडल शेप फ्रैक्चर है, स्टाइलेट के आगे फर्दर जाना 5 पार्ट्स हैं जिसमें मैंडिबल्स हैं, मैक्सिले हैं, हाइपोफेरेंक्स हैं। हाइपोफेरेंक्स इसकी टंग है, वो हॉलो ट्यूब है जिसके जरिए पहले स्लाइवा इंजेक्ट करती है और फिर फीमेल ब्लड को सक करती है। आइडेंटिफिकेशन में 3 इंपॉर्टेंट जनता की मैंने बात की, क्यूलेक्स, एनोफिलीज एंड एडीज। सबसे पहले क्यूलेक्स, इसकी एग्स टेल को देखते हैं, क्यूलेक्स के एग्स जो होते हैं वो क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं, वाटर की सरफेस पे क्लस्टर की फॉर्म में होंगे और इस क्लस्टर को एग राफ्ट बोलते हैं, जिसमें आपको 300 या 350 तक एग्स हो सकते हैं, ये सिंगल ओवी पोजिशन का रिजल्ट है, ठीक है। ये एनोफिलीज के एग्स हैं, ये क्लस्टर की फॉर्म में नहीं मिलते, सिंगली होते हैं, वाटर की सरफेस पे फ्लोट करते हैं, एग के साथ आपको ये वाइट सा शेड नजर आ रहा है, ये एयर बैग्स हैं जो एग को वाटर की सरफेस के ऊपर रखते हैं। इन केस ऑफ एलियन जो डेंगी वेक्टर है, इसके एग्स देखते हैं ब्लैक इन कलर है, राइस ग्रेन शेप है, ये भी सिंगली होते हैं, लेकिन ये वाटर की सरफेस पे या इन साइड का वाटर नहीं होते, ये कंटेनर की वॉल्स के साथ अटैच किए हुए होते हैं, ये वाटर इसके साथ टच नहीं हो रहा होता बल्कि ये मार्जिन पे होती है, ठीक है। फीमेल कभी पानी के ऊपर अंडे नहीं देती बल्कि उस कंटेनर की दीवार के साथ मार्जिन पे देती है। जी कैपेसिटी फीमेल की क्या है, 30 to 300 eggs सिंगल ओवी पोजीशन में ले कर सकती है, 1 मिलीमीटर इनकी लेंथ होती है इसकी। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज जो है एनोफिलीज और क्यूलेक्स, ये जो दो जनता है इनके एग्स जो है वो डेसिकेशन में सर्वाइव नहीं करते, अगर पानी ड्राई हो गया तो एग्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बट इनके केस ऑफ एडीज ये डेसिकेशन में सर्वाइव करते हैं, ये 10 साल तक भी सर्वाइव कर सकते हैं, अगर पानी नहीं अवेलेबल होगा ये पड़े रहेंगे, जब मॉइस्चर मिलेगा तो इनकी लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। हैच इन इंस्टॉलमेंट्स, ये एक बहुत बड़ा खतरनाक इसका फैक्टर है कि जब ये पानी में सबमर्ज होंगे तो 100% एग्स जो है वो हैच नहीं करते, ये इंस्टॉलमेंट्स में हैच करते हैं, 50% हैच करेंगे ऑलमोस्ट और बाकी पड़े रहेंगे, फिर ये ड्राई करके फिर बैठ होंगे तो 100% हैच करेंगे, फिर कुछ पड़े रहेंगे, तो जहाँ पे एग्निंग उनकी होती है वो एक पोटेंशियल जो है ना वो हर वक्त वहाँ पे रहता है, जब भी बारिश होगी तो नई पॉपुलेशन आपको वहाँ से मिल सकती है, बहुत अच्छा हो सकती है। और एग्स की फॉर्म में ये डायापॉड्स में भी जाते हैं, जब विंटर सीजन आता है तो नेक्स्ट सीजन के लिए इनका सर्वाइवल जो होता है वो एग्स की फॉर्म में ही होता है, एग्स पड़े रहते हैं
इसके बाद ही हम लार्वा पे आते हैं। लार्वा में फिर कोई थ्री जैसा की मैं बात करूंगा, ये क्यूलेक्स का लार्वा है, इनको रेगुलर बोलते हैं लार्वा को, मॉस्किटो लार्वा को। ये देखें वाटर की सरफेस से ये एंगल बना रहे हैं डाउनवर्ड, इसका डाउनवर्ड एंगल है, ये नीचे हेड है और ऊपर ये टेल है। टेल के लास्ट में देखें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है, इसको साइफन बोलते हैं। ये वो ट्यूब है जिसके जरिए लार्वा जो है ना रेस्पिरेट करता है, सांस लेता है। आपने सुना होगा अक्सर लोग बिल्डिंग साइड पे वो कहते हैं मट्टी का तेल डाल दें या डीजल डाल दें, तो वो साइफन को ब्लॉक करने के लिए डालते हैं ताकि ये रेस्पिरेट ना कर सके और इसकी डेथ हो जाए। इसी साइफन ट्यूब की बेस पे ही हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। इन केस ऑफ क्यूलेक्स ये साइफन ट्यूब लॉन्ग होगी और थिन होगी, थिन एंड लॉन्ग ट्यूब होगी। जबकि इन केस ऑफ एनोफ्लीज देखें एक तो इसकी पोजीशन भी वाटर की सरफेस के पैरेलल है, वो डाउनवर्ड थी, ये बिल्कुल पैरेलल टू वाटर सरफेस है और इसमें साइफन ट्यूब एब्सेंट है। मलेरिया मॉस्किटो में साइफन ट्यूब होती नहीं। और इन केस ऑफ एडीज जो डेंगू का वेक्टर है, इसकी साइफन देखें ये स्ट्रॉन्ग शेप है, शॉर्ट एंड थिक। जब आप लैब में जाकर जब भी पॉपुलेशन देखेंगे तो आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये लार्वा एडीज का है, क्यूलेक्स का है या एनोफ्लीज का है, सिर्फ इसी साइकिल के वेक्टर को देखते हैं। ये तीनों का कंपैरिजन है। ये प्यूपल स्टेज है, प्यूपा जो है वो कॉमा शेप स्ट्रक्चर होती है, ये भी वाटर के अंदर ही होते हैं, मोटाइल होते हैं, बहुत ज्यादा मोटाइल होते हैं प्यूपा। इसमें देखें लार्वा और प्यूपा की शेप में काफी ज्यादा नजर आ रही है, इसको स्टेलर थोरैक्स कहते हैं। इसमें दो पोर्शन कंबाइन हो गए हेड और थोरैक्स और रेस्ट ऑफ द बॉडी जो है वो एब्डोमेन है। इनको भी हम देख के आइडेंटिफाई कर लेते हैं किस बेस पे करते हैं, इस गैप की बेस पे करते हैं। एब्डोमेन एंड स्टेलर थोरैक्स में ये जो पोर्शन नजर आ रहा है, इस गैप को देखते हुए आइडेंटिफाई करते हैं प्यूपा को कि ये किस जेनरा से बिलोंग करते हैं। इन केस ऑफ लेडीज, इन केस ऑफ लेडीज ये वाइडर गैप है, एनोफ्लीज के केस में देखते हैं गैप बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, और क्यूलेक्स में गैप प्रेजेंट है लेकिन उतना नहीं है जितना लेडीज के केस में है। तो प्यूपल स्टेज पे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब एडल्ट को देखें, मैंने बताया था दो स्पीशीज है एडीज अजिप्टाई या एडीज एल्बोविक्टस। इसमें ये जो थोरैक्स मिडल पोर्शन है बॉडी का, हेड थोरैक्स एंड एब्डोमेन, थ्री पार्ट मैंने बताए थे। थोरैक्स जो मिडल पोर्शन है इसकी अपर साइड पे कुछ ये लाइंस नजर आ रही है। इन केस ऑफ एडीज अजिप्टाई थोरैक्स की अपर साइड पे फोर लाइंस होती है, साइड वाली दो लाइन ब्रैकेट्स में होगी और दरमियान वाली जो दो लाइन है वो चपेट होगी। और इन केस ऑफ एडीज एल्बो पिक्टस सिंगल प्रोमिनेंट लाइन नजर आती है। ये भी आप दोनों मॉस्किटो स्पीशीज को देखते हुए सिर्फ थोरैक्स की अपर साइड को देखते हुए आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये एडीज एजिप्टाई है या एडीज एल्बो पिक्टस। ये एल्बो पिक्टस जो है जी, ये दोनों वेक्टर है, एडीज एजिप्टाई मेजर वेक्टर है और एडीज एल्बो पिक्टस माइनर वेक्टर है। दोनों डिजीज का असर दोनों मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। ये यहाँ पे जरा बातें करके दिखाया गया है, स्कूटर वाला पोर्शन अपर पार्ट में लाइन नजर आ रही है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। ये क्यूलेक्स जेनरा से फीमेल मॉस्किटो एग लेइंग कर रही है और उसके बाद इसकी एग की मैच्योरिटी का हैचिंग होगी। ये जो एनोफ्लीज मॉस्किटो है उसको कंट्रोल करने के लिए ऑयल डालना काफी नहीं है पानी को, हर मॉस्किटो लार्वा को कंट्रोल करने के लिए ऑयल डाला जा सकता है। नहीं आप कह रहे हैं तो उसको वो साइकिल नहीं तो मैं बता दूँ आपकी वीडियो देखते हैं, साइकिल नहीं है तो उसमें और सेंटर है जिससे वो रेस्पिरेट करते हैं। ये देखें क्यूलेक्स फीमेल मॉस्किटो, इसकी एग लेइंग की कैपेसिटी और इसकी जिनरेट देखें वाटर की सरफेस पे बैठती है। मैंने आपको बताया कि मोर देन 300 एग्स जो है वो एक ओविपोजिशन में हो सकते हैं। और देखें वो कितने सलीके से रिसर्च वैली करती है, हर चीज निकल रही है। Good morning.
पिक्चर आपको नजर आ रही है, इसको एग ग्राफ्ट बोलते हैं क्यूमेक्स में। अब फीमेल फ्लाई लग गई है और ये जो स्ट्रक्चर है ये वाटर की सरफेस पे फ्लोट कर रहा है, एग ग्राफ्ट क्लस्टर है इसका। जैसे जैसे एग्स मेच्योर हो जाते हैं, मेच्योर होते जाते हैं, इनका कलर देना और डार्क कलर।